Welcome to Earth Gyan with Gaurav sir. Today we are talking about drawings. Drawings which is to be withdrawn by proprietor for personal use. Drawings kya hota hai? Drawings hota hai jo ek businessman ya owner ke dwara ya entrepreneur ke dwara jo paisa apne niji kharchon ke liye jise hum personal use bolte hain ke liye withdraw kiya gaya hai. Drawings hamare paas जो है दो तरह की होती है. इट हैज टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकंड वन इज ड्रॉइंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अब यहां बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म एंड इज पेबल बाय द पार्टनर टू द फर्म. हैंस इज डिडक्टेड या डेबिटेड. अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होती है विच इज पेड बाय पार्टनर है टू द फर्म. इन दैट केस जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पे करेगा तो अफकोर्स एज पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जब पार्टनर जब अपने इंटरेस्ट को पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को तो वहां पे क्या होगा उसकी कैपिटल क्या होगी डिक्रीज. और एज वी नो कि जब कैपिटल होती है डिक्रीज तो क्या होगा डेबिट. क्या होगा डेबिट. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द मनी या गुड टेकन बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर. फॉर द पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर. ऐसी हमने बात करी थी पहले जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या था कि जहां पर फर्म इंटरेस्ट दे रही है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में फर्म इंटरेस्ट ले रही है. फर्म इंटरेस्ट ले रही है. अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में पहला केस वन. व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन देन वी हैव टू यूज एवरेज पीरियड दैट इज 6/12. वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल मिस्टर ए विड्रॉज 5000 पीस पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज. नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी टाइम पीरियड नहीं है. इट मीन्स दैट टाइम पीरियड लाइक जैसे कि उसने मंथ के बिगिनिंग में करा है मंथ के मिड में किया है या मंथ के एंड में किया है. तो इस तरह से जब कुछ भी हमारे पास टाइम पीरियड जब गिवन नहीं होता है और उस केस में अगर हमारे पास कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ध्यान सुनो बच्चों पर एनम जब मेंशन होता है तो इन द केस हम एवरेज पीरियड जो कि 6/12 होता है उसे यूज करेंगे. जैसे मैंने आंसर दिखाया तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू में 5000 पर मंथ था इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6/6% है इसे 6/100 आया है एंड इंटू में 6/12 फॉर एवरेज पीरियड दैट इज 1800. नाउ केस टू व्हेन टाइम पीरियड इज गिवन देन वी हैव टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज ऑन रेगुलर इंटरवल एंड सेकेंड थिंग इज ऑन इररेगुलर इंटरवल. तो हम पहले बात कर रहे हैं कि व्हेन ड्रॉइंग एट रेगुलर इंटरवल. रेगुलर इंटरवल लाइक मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली में भी हमारे पास दो तरह से है कि फॉर अ ईयर की बात करेंगे या फॉर सिक्स मंथ की बात करेंगे. तो जैसा कि मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया है कि एवरेज पीरियड का इन मंथ. तो यहां पे पहले बात करते हैं इन द बिगिनिंग. एट द बिगिनिंग की बात करें तो यहाँ पे जो हफ्ता मंथली वाला जो फॉर्मूला होगा फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए विड्रो 5000 पीस इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. तो यहाँ पे हमें क्या लाइन मिली है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. तो उस केस में हमारा जो एवरेज पीरियड होगा वो 6.5 होगा. एंड बात करें इन द मिडल की तो वहां पे हमारे पास 6 होगा एंड एट द एंड 5.5 होगा. अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इज इट. हाउ इज इट. सो हमारा फॉर्मूला रहेगा क्या कि एवरेज पीरियड निकालने का नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग और होल डिवाइडेड बाय टू. होल डिवाइडेड बाय टू. सिमिलरली क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में हमारे पास जब अगर इन द बिगिनिंग करता है तो वहां पे जो आपका एवरेज पीरियड आएगा 7.5 आएगा और इन द मिडल में 6 और एट द एंड 4.5. सिमिलरली हाफ ईयरली की बात करेंगे तो हाफ ईयरली में अब यहाँ पे जो हमारे पास जो ये फॉर्मूले बनाए गए हैं ये कैसे बना इसके लिए बच्चों मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया एवरेज पीरियड का कि जहां पे नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस में नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग.
तो और होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस बात पे ये हम जो है अब इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप पार्ट 2 के लिए वेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।